हेलो नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवर चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर गोइंग ऑन। वी हैव कंप्लीटेड 5 पैरा नियर अबाउट। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम द अबव द स्टडी वीडियो। आवर 6 पैरा इज टुडे। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। मैं उठा, उठ गया कहते हैं कमरे से, अपने बिस्तर से उठ गए और पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, यानी कि कमरे में चहलकदमी करने लगे। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तब एक सुंदर सा विचार मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, मैं शादी कर सकता हूँ या शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, यानी कि एक महिला डॉक्टर से मैं शादी करूँगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा धन हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी मेडिकल यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी चलती हो डॉक्टरी। सी हैड टू बी फैट, वो मोटी होनी चाहिए फॉर अ वैलिड रीजन, उसका एक कारण क्या है उपयुक्त। If I made some silly mistake, अगर मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूं, and needed to run away, और मुझे भागने की आवश्यकता पड़े, she should not be able to run after me and catch me। कहते हैं कि यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूं और मुझे भागने की क्या, तो वह मेरे पीछे दौड़ न सके और मुझे पकड़ न सके। With such thoughts in my mind, इन विचारों को मन में संजोए हुए, I resumed my seat in the chair in front of the table। कहते हैं कि इन विचारों को मन में संजोए मेज के सामने कुर्सी पर मैंने अपना आसन जो है पुनः ग्रहण किया, बैठा। अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम द अबव। सडनली देयर केम अ डल थड, एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द, अचानक से धीरे से धड़ाम के साथ कोई चीज़ नीचे गिरी, जैसे कि पृथ्वी पर गिरी, जैसे कि रबड़ की कोई ट्यूब जो है वो भूमि पर गिर गई हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, फिर भी मैंने सोचा कि मैं मुड़कर एक दृष्टि डालूँ आखिर क्या चीज़ नीचे गिरी है। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। कहते हैं कि सर्प मेरे कंधे से फिसला और कोहनी के ऊपर मेरी बाईं भुजा के चारों ओर लिपट गया। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेयर सिमल्टेनियस। कहते हैं कि उसका जो फन था वो बिल्कुल फैला हुआ था और उसके सिर के चेहरे से मुश्किल से मैं 3 या 4 इंच की दूरी पर था। आई डिड नॉट जम्प, कहते हैं मैं उछला नहीं, यानी कि ऊपर वाला दोबारा देखना पैरा। I turned, then a fat snake wriggled over the back of chair and landed on my shoulder। यानी कि पीछे मुड़कर जो ही मैंने देखा तो एक मोटा सर्प जो है कुर्सी की पीठ पर रखता हुआ मेरे कंधे पर आ गया, शोल्डर तक आ गया। The snake's landing on me and my turning were simultaneous। सांप का मेरे कंधे पर आना और मेरा मुड़ना, ये दोनों कार्य simultaneous मेरे बिल्कुल एक साथ साथ हुए। 7 पैरा है। I did not jump, मैं उछला नहीं। आई डिड नॉट ट्रम्बल, मैं डर से कांपा नहीं, कहते हैं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं, कहते हैं। देयर वॉज नो टाइम, क्योंकि ऐसा करने के लिए कुछ भी समय नहीं था मेरे पास, न चिल्लाने के लिए था, न कांपने के लिए था, न जंप करने के लिए था। द स्नेक स्लिथर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। कहते हैं कि सांप मेरे कंधे से फिसला और कोहनी के मेरी बाईं भुजा के चारों ओर लिपट गया। द हुड, हुड मैंने होता फन, वॉज स्प्रीड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। यानी कि उसका जो हुड था, यानी कि जो उसका फन था, वो फैला हुआ था और उसका सिर जो है मेरे चेहरे से मुश्किल 3 या 4 inch की दूरी पर होगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। यह कहना ठीक नहीं होगा कि मैं केवल सांस रोक के बैठा रहा। I was turned to stone, but my mind was very active। कहते हैं कि मैं पत्थर का बिल्कुल बुद्ध बन गया, परंतु मेरा मस्तिष्क बहुत क्या था, सक्रिय था। The door opened into darkness, दरवाजा अंधेरे में खुलता था। The room was surrounded by darkness, कमरे में चारों ओर अंधकार था। In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh। मैं लैंप के प्रकाश में जिंदा रहते हुए ही पत्थर का बुद्ध बना बैठा था। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स।
तब मुझे संसार और इस ब्रह्मांड के सृजनहार का एहसास हुआ, यानी कि भगवान का, गॉड वॉज दियर, यानी कि वहाँ ईश्वर था। सपोज मान लिया आई सेड समथिंग, कहते हैं कि कल्पना करो कि मैंने कोई बात कही, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसे मैंने ईश्वर को वह पसंद ना आई हो या ना आए। आई ट्राई टू माई इमेजिनेशन टू राइट द ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, कहते हैं कि मैंने अपने छोटे से हृदय के बाहरी और ये शब्द हे ईश्वर लिखने का प्रयास की, कल्पना की इस बात की। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, कहते हैं कि मेरी बाईं भुजा में क्या कुछ दर्द हुआ, लेफ्ट आर्म में हल्का दर्द महसूस किया मैंने, कहते हैं। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, कहते हैं कि यह ऐसा था कि जैसे कोई मोटे शीशे की छड़ हो। नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रसिंग इन माई आर्म, नहीं कहते हैं पिघली हुई आग से बनी छड़ जो है धीरे धीरे परंतु शक्तिशाली ढंग से मेरी भुजा को बिल्कुल दबा रही हुई ऐसा मुझे लगा। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू द ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू, कहते हैं कि भुजा से सारी शक्ति जो है गायब होती जा रही थी, मैं अब क्या कर सकता था, यानी कि नरेटर कहते हैं कि मैं क्या कर सकता था। 9 नंबर का पैरा है, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरी जरा सी भी गति जो है सर्प मेरे ऊपर आक्रमण भी कर सकता था। डेथ लग्ड 4 inches अवे, यानी कि मृत्यु 4 inches की दूरी पर घात लगा के बिल्कुल बैठी थी। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, कहते हैं कि माना अगर सर्प ने आक्रमण किया तो मेरे पास क्या दवा थी, ये तक सोचने लग गए नरेटर, डॉक्टर साहब ये भी सोचने लग गए। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में कोई दवा तो है नहीं। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, कहते हैं कि कमरे में कोई दवा नहीं थी, मैं तो केवल असहाय मूर्ख और बुद्धू डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, कहते हैं कि मैं अपना खतरा भूल गया और धीरे धीरे मुस्कराया अपने आप में। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर ने इस बात की सराहना की हो, सर्प यानी कि सांप ने अपना जो सिर है वो घुमाया, टर्न किया हेड को। इट लुक्ड इनटू द मिरर, कहाँ देखने लगा सांप, मिरर में देखने लगा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, दर्पण में देखने लगा तो क्या होगा, अपनी अपना प्रतिबिंब देखेगा और रिफ्लेक्शन देखेगा अपना। I do not claim that it was the first snake that I had ever looked into the mirror. कहते हैं कि मैं यह दावा नहीं कर सकता कि वह पहला सर्प था जिसने दर्पण में देखा, but it was certain that the snake was looking into the mirror. क्या वह अपनी सुंदरता पर नाच कर रहा था, परंतु यह निश्चित था कि सर्प जो है दर्पण में देख रहा था। Was it admiring its own beauty? क्या वह अपनी सुंदरता पर नाच कर रहा था। Was it trying to make an important decision about growing up? Moche or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयत्न कर रहा हो ये सर्फ, वह मूछें उगाएगा, अपनी आँख पर काजल लगाने का या भावों पर लगाने का सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग करेगा या अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगाएगा, ऐसा मैंने उस सर्फ के बारे में सोचा, कहते हैं। ठीक है ना, तो 9 पैरे इसमें लगभग आपने देख लिए हैं आज, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसका, हमने 5-6 से स्टार्ट किया था, ठीक है ना, तो कल मैंने 5 पैरे कंप्लीट किए थे इसमें, ठीक है। आज आपको कहाँ से देखना है, 6 पैरे से देखना है। कुछ वर्ड मीनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे रिगल्ड आया है उसको रेगना बोलते हैं, लैंडेड में होता है आना, ट्रेम्बल में होता है कांपना, स्लिथर्ड में होता है फिसलना, एल्बो का मतलब होता है कोहनी, हुड आपको बताया मैंने अभी, फन को कहते हैं हुड, सांप का फन होता है, फ्लैश एक शब्द है इसको मांस बोलते हैं, क्रिएचर यानी कि बनाने वाला क्रिएटर बोलते हैं, यूनिवर्स है ब्रह्मांड अर्थ ऑफ ऑल द हेवनली बॉडीज, इमेजिनेशन आया है कल्पना बोलते हैं उसको, मोल्टन शब्द आया है पिघली हुई, क्रसिंग में होता है दबाना, ड्रेन्ड में होता है सूख जाना, स्लाइटेस्ट में होता है जरा सा, लग्ड एक छिपी हुई बोलते हैं, स्टूपिड में होता है मूर्ख, फीबली शब्द आया है फीबल, फीबली का मतलब होता है स्लोली, मस्कारा मैंने बताया भाव पर लगा जाना एक सौंदर्य प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स फॉर द आईब्रोज
वर्मेलियन एक शब्द है, सिंदूर बोलते हैं, लीड आयोड ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड सिंदूर को, ठीक है ना। ये वर्ड मीनिंग आपने अपनी वर्ड मीनिंग की कॉपी में करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर इससे आगे चैप्टर हम पढ़ाएंगे, तब तक आप इसका अध्ययन करें।